आप पर भी चल रही है शनि की महादशा? अगर हाँ तो ऐसे कुछ काम है जो आपको इस बीच नहीं करने, क्योंकि इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीवांजलि। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि शनि की महादशा में आपको ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने हैं। कुंडली में हर ग्रहों का अपना विशेष महत्व होता है और ये सभी अलग अलग स्थान पर होते हैं। हालांकि शनि का प्रभाव इसमें सबसे भिन्न माना गया है। ज्योतिष में उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव को कुंभ राशि और मकर राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इस राशि के जातकों पर इनकी विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर शनिदेव का शुभ प्रभाव होता है, उसके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और तरक्की के योगों का निर्माण होता है। हालांकि जिन लोगों पर शनि की महादशा होती है, उन्हें शनि के अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों को शनि के अशुभ परिणाम दिन ब दिन झेलने पड़ते हैं। दरअसल शनिदेव की महादशा का प्रभाव जातक की कुंडली में शनि की स्थिति व अन्य ग्रहों के साथ उनकी युति और विभिन्न भावों पर आधारित होता है। यदि व्यक्ति पर शनि की महादशा है तो उसे कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस दौरान स्वास्थ्य, नौकरी, आर्थिक व मानसिक परेशानी बनी रहती है। हमेशा इंसान परेशान रहता है और उसके मन में कई तरह के उथल पुथल चल रही होती है। महादशा के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, अन्यथा यह समय अधिक कठिन हो जाता है। आइए वो कौन से काम हैं जो आपको शनि की महादशा अगर आप पे चल रही है तो नहीं करने, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि शनि की महादशा होने पर आपको भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं। शनि की महादशा के समय किसी भी कार्य के प्रति आलस करने से आपको बचना है। इस दौरान आलस करने से जातक को नकारात्मक फल मिलने लगते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि आलस ना करें। आपको बता दें कि शनि की महादशा के दौरान यदि आप झूठ बोलते हैं तो इससे अशुभ परिणामों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी दूसरे की भावना को ठेस भूलकर भी आपको नहीं पहुंचानी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका बुरा परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। शनि की महादशा होने पर व्यक्ति को अहंकार की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। इस समय किसी भी बात का घमंड जातक का भारी नुकसान कर सकता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। यह कर्मों के आधार पर व्यक्ति को फल देते हैं। ऐसे में शनि की महादशा के दौरान भूल कर भी गैर कानूनी गतिविधियों में आपको शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो शनि आपको भारी दंड देंगे और इसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा। अब शनि की महादशा के कुछ उपाय भी बताए जाते हैं जिससे आपकी जो शनि की महादशा चल रही है वो कम होती है। पहला उपाय तो ये है कि आपको इस बीच ही नहीं, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। और बाकी शनि की महादशा के दौरान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। जैसे सप्ताह के शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, इस दौरान उनकी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से आपको शनिदेव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। महादशा के समय प्रत्येक शनिवार को आपको शनिदेव की विधि अनुसार पूजा करनी है। शनिदेव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। इस दौरान शनिवार और मंगलवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और उनकी सेवा करें। जातक को शनि की महादशा में हर दिन शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इस दौरान दान करने से आपको प्रसन्नता मिलेगी और साथ ही साथ शनिदेव भी इन चीजों से प्रसन्न होंगे। आप शनि की महादशा के दौरान या शनि की साढ़े साती या ढैया के दौरान इन सभी उपायों को कर सकते हैं। याद रहे कि आपको शनिदेव की सच्चे मन से और विधि पूर्वक पूजा करनी है, तभी आपको फल मिल पाएगा। अगर आपके हमसे कोई सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राशि कुंडली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे दी गई मेल आईडी पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। निश्चित ही हम समय पर आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।